नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ हैं धर्मेंद्र जी। लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर तेजी के साथ छात्र नेतागण अपने अपने संगठन की ओर से वायरल कर रहे हैं कि अब पीजी की पढ़ाई हिलसा में होगी। इसके साथ साथ कॉमर्स का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। इन कई सवालों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले पीजी के सवाल पर बताइए कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल हो रहा है, लोग कर रहे हैं पेपर का कटिंग, अपना पोस्ट कि अब होगा, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत खुशी की बात हुई है कि पिछले कई सालों से इसकी लगातार ये आंदोलन जैसे धरना प्रदर्शन बहुत सारी प्रक्रिया चल रही थी। इसमें लगभग 2014 या 15 के आसपास जब मगध विश्वविद्यालय था, हमारा कॉलेज मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था, उस टाइम हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था, विश्वविद्यालय जाकर के आंदोलन किया था, लाठियां खाई थी। उसका यही नतीजा निकला कि आज किसी न किसी तरीक़े से हमारे कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरुआत हो रही है। अब सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे हैं, सभी संगठन अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत है, वो कोई कह रहा है हमारी जीत है। आप छात्र जदयू के पहले रह चुके हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए छात्र संघ के अलग अलग संगठन तो करते ही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, किसने किया, ये विश्वविद्यालय जानती है, यूनिवर्सिटी जानती है। और हम लोग जितना प्रयासरत हैं तो प्रयास किए हैं वो ये महाविद्यालय जानती है कि छात्र जदयू ही सबसे बहुत बड़ा हिस्सा बनकर इस कार्य के लिए आगे आया था और इस कार्य को पूर्ण किया है। अब कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, आंदोलन वो भी रहा था। सत्र 2022-25 के लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया। देखिए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हमारे अनुमंडल में एक ये सरकारी अंगीभूत इकाई कॉलेज थी जहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं हो रखी थी। अब यहाँ पीजी में ज्योग्राफी, कॉमर्स, हिंदी, ये तीन जैसे विषयों की पीजी में स्टार्ट हो गई है। हिंदी, राजनीति शास्त्र और जो और आगे भी प्रयास रहेगा हम लोगों को कि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हमारे कॉलेज में इसकी पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो सके। अब कितना खुशी हो रहा है हिलसा के लोगों में कि कहीं दूर न जाना पड़ेगा आप लोगों को? ये खुशी के लिए तो हम लोगों ने किया था कि भाई हमारे हिलसा के छात्रों छात्राओं को 25 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूरी ना जा करके अपने ही शहर हिलसा में ही वो पीजी का पढ़ाई कर सकें। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो हिलसा आने के लिए ही 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर पढ़ना, वैसे छात्रों के लिए क्या कहना है? वैसे छात्रों के लिए हमारी सरकार पहले से भी कार्य कर रही है और हमारे हिलसा में खास करके गर्ल्स हॉस्टल जो इस महाविद्यालय का है, इसके लिए इसके काम के लिए है जो कि प्रयासरत में है छात्र संगठन। और देखिए आगे चल करके इसमें भी सफलता मिलेगी। हिलसा जो आपके है कि शासन कार्यालय जहाँ बैठे हुए हैं, बिजली कटा हुआ है, आंधी तूफान आया था, इस पर कुछ कहना है? देखिए, आंधी तूफान आई थी, यह प्रकृति आपदा है। अब इसके चलते बिजली बाधित है तो भाई तत्काल किसी चीज़ का सोलूशन तो होता नहीं है, वो समय के हिसाब से ही होगा। अगर बिजली कटी है, कहीं तार टूट गई है, उसको ठीक किया जाएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे हिलसा के प्रशासन, चाहे वो बिजली विभाग का या किसी भी विभाग का हो, किसी भी प्रकार की समस्या को 2 दिन 2 या 3 दिन के अंदर में पूर्ण करने का काम करेंगे।